हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि क्लास सिक्स की एनसीईआरटी की सोशल साइंस की न्यू टेक्स्ट बुक आ गई है, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड ये सोशल साइंस की न्यू टेक्स्ट बुक है फॉर ग्रेड सिक्स। अब स्टूडेंट्स, हम कंटेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले है फॉरवर्ड, फिर लेटर टू द स्टूडेंट, योर जर्नी थ्रू दिस बुक, फिर इंट्रोडक्शन बाय सोशल साइंस। इंट्रोडक्शन होता है परिचय। Why social science? क्यों social science? Means why we have to study social science? हमें सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए? अब इसमें फिर थीम है। थीम ए है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। थीम ए में है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। और थीम ए में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर प्लेसेस को लोकेट करना। सेकंड है ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, महासागर और महाद्वीप। थर्ड है लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। अब चलते हैं थीम बी पर, टेपस्ट्री ऑफ द पास्ट। थीम बी है टेपस्ट्री ऑफ द पास्ट। इसमें फोर्थ है आपका टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, समय सीमा और इतिहास के स्रोत, टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। फिफ्थ इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। सिक्स्थ द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की शुरुआत। द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन होता है भारतीय सभ्यता की शुरुआत। थीम सी है आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। थीम सी है आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, हमारी सांस्कृतिक धरोहर तथा नॉलेज ट्रेडिशंस मीन्स ज्ञान की परंपरा। इसमें पढ़ेंगे सेवेंथ है आपका इंडियाज कल्चरल रूट्स, भारत की सांस्कृतिक जड़ें। एट है आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसे कहते हैं विभिन्नता में एकता। क्या कहते हैं? विभिन्नता में एकता, और मैनी इन द वन, एक में अनेक, एक में अनेक। थीम डी है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, जो शासन है और प्रजातंत्र है। नाइन्थ जो है इसमें है आपका फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार तथा समुदाय। फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार तथा समुदाय। टेन है आपका ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, इसमें पार्ट वन है आपका गवर्नेंस। इलेवेंथ है आपका ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी में पार्ट टू लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। ट्वेल्व है आपका ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट थ्री लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। थीम ई इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, हमारे चारों ओर आर्थिक जीवन कैसा है? तो इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। इसमें 13 है द वैल्यू ऑफ वर्क, काम का महत्व। 14 है इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस, हमारे आसपास आर्थिक गतिविधियाँ। तो ये 14 चैप्टर्स हैं और थीम ए से लेकर थीम ई तक है। हम आपको ये सारे के सारे 14 चैप्टर्स
धीरे धीरे हमारे चैनल पर जो है आपको अच्छी तरह से जो है पढ़ाएंगे। आप हमारे चैनल पर जो है बने रहिए। हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और आपको जो है ये बहुत ही वीडियो जो हम डालेंगे ये अच्छे लगेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको कंटेंट के बारे में बताया, सोशल साइंस क्लास 6 की जो न्यू NCERT टेक्स्ट बुक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।